Today we'll discuss how to do transformer well breakdown voltage test. This is the transformer voltage breakdown tester. This is the BDB test kit. तो इसे क्या करते हैं हम लोग 230 वोल्ट इसमें इनपुट देता हूँ थ्रू दिस पोर्ट एंड विल इंक्रीज द वोल्टेज बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड स्लोली एंड विल ऑब्जर्व व्हेन फ्लैश ओवर हैज बीन डन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड. तो उसके लिए क्या करता हूँ, पहले ये पॉट जो है ये वेल पॉट है, दिस इज द वेल पॉट. ये वेल पॉट को हम लोग पहले वेल सैंपल वेल इसमें फिलअप करता हूँ. फिलअप करके इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, ये जो दो इलेक्ट्रोड है ये दोनों का बीच में डिस्टेंस होता है 2.5 mm. तो इसमें वेल सैंपल डालने के बाद उसमें लेवल इंडिकेटर है कितना लेवल तक डालना है, उतना लेवल तक डालने के बाद विल इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड स्लोली एंड विल ऑब्जर्व इन व्हिच वोल्टेज फ्लैश ओवर हैज बीन डन. तो ये वेल सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली इन द पॉट. हम लोग ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है इसमें दो सैंपलिंग वाल्व होता है, एक ऊपर में एक नीचे. तो हम लोग नीचे से अभी सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ. हम लोग पॉट में डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग बीडीबी टेस्ट किट को सेपरेशन में लेके आया, अदरवाइज वी विल हैव टू कलेक्ट इट टू वेल सैंपल बोतल. वेल सैंपल का बोतल से कलेक्ट करके हमको लैब में जाना पड़ता. नाउ वी पुट दिस पॉट इन द प्लेस एंड विल कवर इट. जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड का बीच में जो फ्लैश ओवर हुआ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए इसको हम लोग कवर अप कर देता हूँ. नाउ वी विल स्विच ऑन द इक्विपमेंट. हमारे टेस्ट किट में 70 kV में डिज़ाइन है, अप टू 70 kV तक टेस्ट कर सकता है. ये डिस्प्ले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी कभी चला जाता है, बट यू विल शो द रीडिंग. नाउ विल स्टार्ट, विल स्टॉप, स्टेप डाउन इज गोइंग ऑन इन 14 kV, 15 kV, 16 kV. इन दिस वे विल इंक्रीज टिल द फ्लैश ओवर. नाउ इट इज शोइंग 24 kV, 25 kV, 27 kV, 28 kV, 29 kV, 32 kV, 33 kV. तो जनरली क्या होता है, 50 kV का अभाव आने में ट्रांसफार्मर वेल क्वालिटी अच्छा माना जाता है. 60 का अभाव आने में और भी अच्छा है. न्यू ट्रांसफार्मर में तो 60 का ऊपर ही आ जाता है, पुराना ट्रांसफार्मर का अभाव 50 आना चाहिए. पर गुड ट्रांसफार्मर वेल क्वालिटी वी हैव कंसीडर 50 kV बीडीवी वैल्यू. नाउ 67 kV, 68 kV, 70 kV एंड आई थिंक दैट फ्लैश ओवर हैज़ बीन डन. हमारा कैमरा अच्छा नहीं बोल के दिखाई नहीं दिया फ्लैश ओवर. तो अभी स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप डाउन धीरे धीरे जीरो होने के बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तब तो रिजल्ट शो करेगा कि कितना में जाके फ्लैश ओवर हुआ है. तो लेट्स सी हमारा अभी जो टेस्ट किया ये टेस्ट में कितना वोल्टेज में जाके फ्लैश ओवर हुआ. इन दिस वे वील हैव टू डू 6 times. हम लोग 6 times हम लोग करूँगा ये वाला टेस्ट एंड विल टेक द एवरेज वैल्यू एज ए फाइनल रिजल्ट ऑफ द बीडीवी. 6 times का जो एवरेज वैल्यू है दैट शुड कम अबव 50 kV. ये एवरेज वैल्यू 50 kV आने के बाद हम लोग इसको बोला जाता है ये ट्रांसफार्मर का वेल कैपेसिटी अच्छा है, वी कैन यूज दिस ट्रांसफार्मर वेल. तो नाउ इज शोइंग द स्टेप डाउन वोल्टेज 28%. ये 0% आने के बाद हमको बीडीवी वैल्यू शो करेगा हमारा फर्स्ट टेस्ट का. तो ये 14%, 13%, 11%, 2%, 1%, 0%. एंड दे बीडीवी वैल्यू इज 71.6 kV. इट्स मीन हमारा फर्स्ट जो टेस्ट किया फर्स्ट टाइम रिपोर्ट में ट्रांसफार्मर का वेल का बीडीवी वैल्यू आया 71.6 kV. इट्स गुड क्वालिटी.